विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नोएडा के विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह भाजपा पार्टी कार्यालय कानपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि पंकज सिंह कानपुर के प्रभारी बनने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने आगामी चुनावों में यूपी में 80 सीट जीतने का दावा किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अब कोई जनाधार नहीं बचाया। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की भावनाओं के विपरीत हमेशा काम करती है। वहीं भाजपा की जीत के बाद इंडिया गठबंधन में हो रहे बिखराव के सवाल पर पंकज सिंह ने कहा कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन कब तक चलेगा, ये जल्द नजर आएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कोई एजेंडा है ही नहीं। कार्यक्रम का भी प्रारंभ है, तो इस वजह से भी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना एक जो दायित्व पार्टी ने दिया है, उसके बाद पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी एक विषय है। क्या तिरंगा कांग्रेस की तरह तिरंगा यात्रा भारत संकल्प यात्रा करने जा रही है? कांग्रेस का कब सरोकार रहा है देश हित से? कांग्रेस तो कभी भी कांग्रेस, आज की कांग्रेस के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वह देश के लोगों की भावनाओं के विपरीत हमेशा चलते हैं। और जहाँ तक रही तिरंगा यात्रा की बात, तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती रही है और ये यात्रा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन ये जो विकसित भारत यात्रा है, यह जनता को जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल जाए, इस वजह से सरकार के द्वारा ये यात्रा चालू की गई है, जिसमें अधिकारी खुद कुछ विभाग उसके नोडल विभाग बनकर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, इस वजह से ये यात्रा।